काम बदनाम करेगा। अरे पैर को पकड़ करके अच्छा माफी मांगो कि महाराज मुझसे गलती हो गया, क्षमा करो। अच्छा अच्छा गली कहते हैं गुरु इतना बड़ा शरीर है कोई क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन पैर पे उतना ही शक्ति है जितनी बड़े बड़े गलती को वो क्षमा कर सकता है। है चुटो नाथ दारू चढ़ाओ। मैंने कहा कि बैठ करके प्रणाम करो, ऊपर से चुटो नाथ दरुआ चला रहे हैं सखुआ बस में। महाराज की जय हो। अच्छा तुम्हारा आदत ही ऐसा है, क्या करें मैं लाठी बारी में गोबले बुनिया सुनाओ। हाँ महाराज बड़ा उदास आप नजर आ रहे थे। महाराज उदास तो मैं बैठा हुआ था, लेकिन तुम ऐसे जब आते हो ना मुझे हंसाई देते हो। क्या करेंगे महाराज, रोने से क्या होगा, जो समय है जो बीतने का था सो बीत गया। तुम जान रहे हो ना हाँ कि मेरा बेटा शंकर और हमारी बेटी सुशीला, सुशीला की जन्म मात्र 3 महीना हुआ था। हाँ भरी भरी गाला नहीं है, महीना महीना बच्चे होगा वहां करिए मैंने घटना होगी। अरे इसके बीच में हमारी रानी जो है वो मर गई। हाँ महाराज इसके रानी के वियोग में उदास होकर के मैं अपने महल में बैठा हुआ हूँ। महाराज मरने की दर्द भला राज में किसके यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें महाराज, ना चाहते हुए भी जीना पड़ता है। और अगर आप ऐसे चिंता करेंगे महाराज तो चिंता और चिता में कोई फर्क नहीं होता है, वही चिंता चिता बना देता है। कैसे? बस एक बिंदु का समान चिंता जो है महाराज जीते जी खाता है और चिता मुर्दे को खाता है। इसलिए महाराज आपको चिंता दूर करना होगा, क्योंकि आपके बेटा और बेटी है उनके लिए आपको फर्ज बनता है महाराज, उनका लाइफ बनाए उनका भविष्य को बनावे, इनके लिए आपको तो सही सलामत रहना पड़ेगा ना महाराज। तुम जो कह रहे हो ना सच बात कह रहे हो, लेकिन मैं अभी तक जो जिंदा हूं ना केवल अपने शंकर और हमारी बेटी सुशीला उन दोनों बच्चे के मुंह देख करके भी जिंदा हूं मैं, या नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चिता में रानी मरी है जली है उसी चिता में मैं भी जल जाता।